Morning children, welcome back to our online class. Student of class 8. This chapter is from history. Chapter number 6 and the name of this chapter is Stamps and Industry. As the name is referred here, I came here before you with my two topics. That is first, the traditional industry of India, and the second one is grain of wheat to Britain. Now let's start our first topic. See here, events of a very troubled time and meaning finally disappeared altogether. ये जो चीजें थी वो काफी ज्यादा समझने वाली थी. क्या थी? कि जैसे जैसे करके जो यूरोपियन इंडस्ट्री का जो इम्पैक्ट भारतीय कॉटेज इंडस्ट्री पर जो फैल रहा था वो काफी असहनीय था, क्योंकि जितने भी सारे जो ट्रेडिशनल इंडियन इंडस्ट्रीज थे उनमें दिक्कतों का सामना इसलिए करना पड़ता था क्योंकि जो चीजें थी, जो मशीन थी, फिर से जो आर्टियंस थे वो काफी पुराने थे, और पुराने कारीगर जो है वो नई चीजें जो है वो मार्केट्स में नहीं ला रहे थे. और नई मार्केट्स में नहीं लाने के कारण जो है उनके डिमांड्स जो है वो हायर रेट पे नहीं भाग रहे थे. जब भी आप चीजों को, नई चीजों को अगर मार्केट्स में आएंगे, उनकी क्वालिटी को आप बढ़ाओगे, तभी तो जाके आप चीजें जो है उनके डिमांड साकी बढ़ेगा. जिसके डिमांड ज्यादा होते हैं, जाहिर सी बात है उनके पैसे बहुत कम लगते हैं. एक एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, BMW कार का डिमांड क्या है? बहुत कम, इसलिए प्राइस बहुत ज्यादा. लेकिन अगर यही ऑल्टो कार के बारे में सोचा जाए, यही इंडिगो कार के बारे में सोचा जाए, तो क्या है, इंडिगो चाहे ऑल्टो हो, चाहे और भी छोटे जो छोटे मोटे कार हो, स्कॉर्पियो हो, ये सब चीज का देख लीजिए, मार्केट्स में ज्यादा मांग है तो आराम से 9 से 10 लाख में आपके घर पे आ जाता है. लेकिन BMW लेना चालू कीजिएगा तो 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा, जो कि एक साधारण परिवार खर्च नहीं कर सकता. तो जाहिर सी बात है कि ये कब होता है? जब प्रोडक्शन की जो भी क्वालिटी होती है वो सबसे अलग होती है ना. यही कारण है कि जो प्रोडक्शन जो है हमेशा डिमांड में रहता है. ठीक उसी प्रकार इंडियन बिकेम ए सोर्स ऑफ ए रॉ मटेरियल ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज एंड ए मार्केट फॉर दिस फिनिश गुड. तो भारत जो है वह सिर्फ रॉ मटेरियल का ही सोर्सेस रह गया था, यानी कि भारत एक ऐसा केंद्र बन गया था जहां से इंडिगो उनको, जैसे कि नील बनाना है उनको, तो क्या होता था, इंडिगो की खेती जो है यहाँ करवाते थे और यहाँ से रॉ मटेरियल लेके चले जाते थे, और अपने जो यूरोपियन इंडस्ट्री थी उसमें बना करके फिर इंडियन मार्केट्स में बेच देते थे. यानी यही का सामान लिया हुआ, कुछ थोड़ा सा ये रिनोवेट करके, चेंज करके इंडियन मार्केट्स में बेच दिया और यहीं से मुनाफा कमाने लग गया. यानी भारत जो है उनके लिए सिर्फ एक मार्केट बन गया हुआ था, है ना, ऐसा मार्केट जहां से कच्चा माल जो है वह उठाया जाए और बने हुए माल भी यहीं पे खत्म कर दिया जाए, खपत हो आराम से, और हाईली रेट जो है वह, हाईली प्रॉफिट जो है वह कमाया जा सके. यही सिर्फ ट्रेडिशनल जो है इंडस्ट्री जो है वह इंडिया का था, और सिर्फ इसी चीज के कारण जो है वह धीरे धीरे करके जो है मार्केट्स, इंडियन मार्केट्स, इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो काफी डाउन होती चली गई, जिस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने थोड़ा सा भी जो है वो ध्यान नहीं दिया. और जो भी रूलर्स जो है हमारे यहाँ जो बचे हुए थे वो तो खैर उनके अधीन ही थे, जो कि बोल नहीं सकते थे, क्योंकि मैंने पहले ही आपको पढ़ाया है कि जो मॉडर्न पीरियड नहीं था स्टार्ट, यानी मिडिवल पीरियड स्टार्ट था, उस समय जो रॉयल सुपरविजन के अंतर्गत ही जो है कोई भी प्रोडक्ट का प्रोडक्टिविटी किया जाता था, है ना. तो चलिए
स्टार्ट करते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ टू ब्रिटेन, नाम से ही है हमारा सेकेंड है क्या ड्रेन ऑफ वेल्थ टू ब्रिटेन। तो ब्रिटेन जो है वह नाम से ही आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या चीज कि ब्रिटिश हुकूमत का यानी यहाँ से जो भी चीजें जो है लोग कमाता था जो प्रॉफिट्स लिया करते थे वो एक जैसे कि हर चीज का अपने यहाँ भी फाइनल अकाउंट जो है बनता है, अपने बैंक भी जो है फाइनल अकाउंट बनाती है, लेकिन सबसे एक ही बैंक जो है वह सब बैंक जो है फाइनल अकाउंट नहीं बना सकते क्योंकि सब बैंक जो है पैसे थोड़ी ना छापते, पैसे छापने का काम कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है अपना फाइनल अकाउंट बनाएगी और पता करेगी हाँ कि उसको क्या प्रॉफिट है और क्या क्या। वैसे ही जब ब्रिटेन अपना जो है वो फाइनल अकाउंट बनाया करता था तो फाइनल अकाउंट के दौरान उसे पता चलता था कि कितने रुपये यहाँ से गए हैं और कितने रुपये जो है वह उनको प्रॉफिट हुआ है। जैसे कि देखिए द टोटल मनी दैट वेंट फ्रॉम इंडिया इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट टैक्सेस अमाउंटेड टू 361 मिलियन रुपी इन 1859। भारत में जो भी मुनाफा हुआ वो चाहे टैक्स के रूप में हो तब या फिर किसी और रूप में हो तब लगभग 1859 की बात है 1859 में 361 मिलियन रुपी जो है यहाँ से गया था विच रोज 851 मिलियन रुपीस इन 1890। यही जो है आगे बढ़ करके 1890 ईस्वी में जब देखा गया तो 1890 ईस्वी में यहाँ से 851 मिलियन रुपीस यहाँ से ब्रिटेन गया। देखिए कितना ज़्यादा जो है वह फ्लक्चुएशन आ रहा है ना। फ्लक्चुएशन का कारण भी था कि इसमें आपने पिछले कक्षा में जो है वो पढ़ा हुआ था कि जो जो चीज़ें जो है इन लोगों को जो है फिट नहीं बैठती थी वो अपने कन्वीनियंट के अनुसार क्या करते थे इसको चेंज कर दिया करते थे, वो चाहे कुछ एक्ट के अनुसार चेंज किया करते थे तो चाहे कुछ और भी चीज़ें उस पर लगा दिया करके उसमें जो है चेंजिंग कर दिया करते थे। तो ये सभी चीज़ें जो थी वो काफ़ी इंडियन पर जो है वो डोमिनेट हुआ करते थे। पिछले कक्षा में हम लोगों ने देखा जी कितने रिवेलियंस थे जिन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम के विरुद्ध जो है अपना हथियार उठा लिया था, है ना। तो कॉन्फ्लिक्शन तो हो रहा था लेकिन एक बड़े पैमाने पर जो है कॉन्फ्लिक्शन न होने के कारण जो है वह चीज़ें जो हैं वह काफ़ी धूमिल होती चली जा रही थी और लोग धीरे धीरे करके यहाँ के और भी पंगू होते चले जा रहे थे और भी कमज़ोर पड़ते जा रहे थे। ये जरूरी था इन चीज़ों को जानना समझना कि हमारे भारत जो कि प्रारंभ में सोने की चिड़िया कहा जाने वाला एक देश होता था जिसको अंग्रेजों ने बहुत हद तक लूटा, काफ़ी हद तक उसने शोषण किया। अंग्रेजों के लिए सिर्फ एक उपनिवेश था यहाँ पे, उनका एक मार्केट था जहाँ पे से एक रॉ मटेरियल उठाना है और फिर इंडस्ट्री में उसको बना करके फिर यहीं पे बेच देना है। इस तरीके का जो है घटिया कार्रवाई जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो किया करती थी। तो सच बात द ड्रेनिंग अवे ऑफ ए वेल्थ फ्रॉम इंडिया, इस तरह से जो है एक बहुत बड़ा भाग पैसे का धन का यहाँ से भारत से जो है वो ब्रिटेन जाने लगा। इन द ईयर ऑफ 1879 मैन्युफैक्चर गुड्स मेड अप ऑफ 8% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट। भारत का लगभग 8% जो है वह इंडियन जो है वह एक्सपोर्ट होने लगा, इतना कम है ना, यानी कि भारतीय गुड्स जो है लगभग 8% ही बाहर जाएंगे बिकने के लिए यानी कि जो भी कोटेड इंडस्ट्री से थे और वेयर्स द इम्पोर्ट रोज ऑफ 65%। बाहर देखिए 8% गुड्स ही जो है वह भारत का बाहर में बिकेगा और सारे कंट्रीज में उसके अगल बगल जो देश थे वो चाहे और भी कोई कंट्रीज में, लेकिन ब्रिटेन का यहाँ पे इंपोर्ट होगा है ना कितना 65%। देखिए कितना का अंतर है, किस तरह से उन्होंने खत्म किया यहाँ के इंडियन के मार्केट्स को। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही,
मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।